क्या तिमाही नतीजों के दौर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो भी एस्टिमेट आप लोगों ने पहले से लगा के रखे थे, इस घटनाक्रम ने उन एस्टिमेट्स पे अभी तक कोई असर डाला है या उसको आपने रखा है कि नहीं, चलो ठीक है अभी हम इसमें कुछ फेरबदल नहीं करेंगे, जो सोचा था अभी उसी हिसाब से चलेंगे और देखते हैं कि ये हमास वाले या इसराइल वाले और कितना आगे बढ़ते हैं। तू बहुत ज्यादा प्रीमच्योर हो जाएगा राजू जी, अभी रिएक्ट करना इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। ये जो तिमाही के नतीजे आएंगे इससे डिटर्मिनेशन आ जाएगी फर्स्ट हाफ के नतीजे कैसे हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, और एक ब्रॉड आउटलुक भी मिल जाता है काफी मैनेजमेंट से कि सेकेंड हाफ उन्हें कैसे लग रहा है। तो फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं है अक्रॉस सेक्टर्स दैट वी आर ट्रैकिंग एट दिस जंक्चर। एक ही फर्क जहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो कंडीशंस व्हिच आर चेंजिंग, जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, सो एज एन एग्जांपल निफ्टी की जो अर्निंग्स है ऑलमोस्ट 30% अर्निंग्स लार्जली एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड होती है। अगर इकोनॉमिक स्ट्रोक, जियोपॉलिटिकल स्ट्रोक, फाइनेंशियल रीजंस के वजह से अगर और पेन ये कंपनीज को झेलना पड़ सकता है तो शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में थोड़ा कट आ जाए। वी हैव ऑलरेडी मॉडरेटेड और काफी एनालिस्ट ने मॉडरेट करके ही रखा है एक्सपोर्ट अर्निंग्स फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर, उसमें थोड़ा सा कट आ सकता है अगर थिंग्स गो बैड और गो नॉर्थवर्ड्स, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पे प्रभाव एटलीस्ट अभी आएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज पार्ट इज स्टिल मेंटेनिंग देयर कंसेंसस बायस। जी, तो सबसे पहले आईटी सेक्टर के नतीजे आएंगे और आज वैसे टीसीएस तो थोड़ा सा हल्का पड़ा है, बीच में 3-4 दिन तो काफ़ी तेज चला था, और इन्फी देखें या एसएल टेक वगैरह देखें तो वो सब थोड़े से हरे निशान में ही हैं। तो क्या प्रियम्प्ट करके चल रहे हैं मार्केट में लोग आईटी सेक्टर को लेकर के? तो क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप कंपनीज के लिए ठीक ठाक रहेगी, सीक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ठीक ठाक रहनी चाहिए डॉलर और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। मार्जिन्स में जितना एक हिट पिछले तिमाही में काफी कंपनीज ने लिया था बिकॉज ऑफ वेज हाइक्स, इंक्रीमेंट्स, जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट बढ़ी थी, वो भी स्टेबल होनी चाहिए। और इसलिए अगर हम एक्सेंचर की एक कॉमेंट्री देखें जो लार्जली मिरर करती है इंडियन आई टी कंपनीज जो आउटसोर्सिंग मॉडल है, कॉमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी राजीव जी, कि कैसे देख रहे हैं कि क्या क्लाइंट बजट्स में कटौतरी देख रहे हैं, क्या प्राइसिंग प्रेशर देख रहे हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्या धीमापन देख रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज। BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो आईटी कंपनी सर्विस करती है। क्या ये की इंडस्ट्रीज में कहीं भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है जो रेवेन्यू और गाइडेंस को पुल डाउन कर सकती है सेकेंड हाफ में? ये सारे पहलू बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और जैसे हम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में एंटर करेंगे राजीव जी, लॉट ऑफ US कंपनीज जो US गैप रिपोर्टिंग होती है वो पहले क्वार्टर यानी हमारी जो चौथी तिमाही होती है, यहाँ पे क्लाइंट बजटिंग डिसाइड होती है। तो US इकोनॉमी कैसे फेयर हो रही है अगले 1 महीने में 3 महीने में 6 महीने में, ये डिटरमाइन करेगा क्लाइंट बजटिंग एंड अ लार्ज पार्ट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर के मूव्स को। वैल्यूएशन के हिसाब से लार्ज कैप्स रिलेटिवली बेटर प्लेस देन मिड कैप्स, बट मिड कैप्स में जो आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले तिमाही के नतीजे भी आप देखें, मैनेजमेंट्स आर साउंडिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। पिछले तिमाही में भी कहीं भी एक दिन का भी नहीं था कि कोई पेन हमें दिख रहा है, ऑर्डरिंग कम हुई है, प्राइसिंग कम। तो वहां कुछ पसंद आ रहा है आपको जो आप कहें कि नतीजों से पहले ले लिया जाए? नहीं, वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं और जो हम उनील में ट्रैक करते हैं राजीव जी, कि वो बेसिस के ऊपर निकल चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं और ये दोनों लेवल्स कंफर्टिंग नहीं है। पुलबैक्स के लिए डेफिनेटली राह दिखनी चाहिए, KPIT, पर्सिस्टेंट, LTM, पुलबैक मतलब कितना अच्छा खासा पुलबैक, एटलीस्ट 10-15% टू से देयर, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट अच्छा वैल्यूएशंस और प्राइस कंफर्ट पर, मतलब अगर ये मिड कैप आईटी 10-15% नहीं गिरे तो नहीं हाथ लगाना है। बिल्कुल जी। और लार्ज कैप में यहाँ पे लेना है या नहीं? वैल्यूएशन के हिसाब से एज आई सेड बहुत ज्यादा कंफर्ट है, 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स शायद पेन में रहे। नहीं, तो कंफर्ट किसमें ज्यादा है, मतलब TCS इन्फी टाइप में या SCL विप्रो टाइप में? TCS का वैल्यूएशन हमेशा महंगा रहा है राजीव जी, बट आई थिंक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहा है एंड आई थिंक दे शुड बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली। TCS, HCL Tech का डेफिनेटली ध्यान में रहेंगे। इंफोसिस ने एक हाउलर दिया था लास्ट क्वार्टर में, तो स्ट्रीट थोड़ा कॉशियसली अप्रोच, डरा तो वही रहा है ना, तब से 2 तिमाहियों से वही डरा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस बार क्या करेंगे, मतलब डराएंगे या वापस थोड़ा चैन की सांस लेने देंगे?
मुझे लगता है आई थिंक वर्स्ट इज प्रोबेबली ओवर, बट लेट्स वेट फॉर नंबर्स. मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल नंबर जाने चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अल्टीमेटली यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि हर एक कंपनी अलग अलग है उसके डायनेमिक्स. जी.